मुख्यमंत्री एवं महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ कार्य योजना बनाकर निर्णायक लड़ाई शुरू कर दी है। नशे के सौदागर वर्तमान पीढ़ी के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसके दृष्टिगत ड्रग व जहरीली शराब के माफियाओं पर सख्ती के लिए कमर कस ली गई है। सभी युवा सरकार के इस अभियान का हिस्सा बनकर प्रदेश को नशा मुक्त करने में, सबको स्वस्थ रखने में अपना योगदान दें। सीएम योगी रविवार को महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम बालापार गोरखपुर के प्रथम स्थापना दिवस समारोह व इस उपलक्ष में 22 अगस्त से चल रहे योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज स्मृति सप्त दिवसीय व्याख्यान माला के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर चुनौती को हमें अवसर के रूप में लेना चाहिए और परिणाम की तत्कालिक चिंता किए बगैर चुनौती से निपटने की कार्य योजना बनाकर शुरुआत कर देनी चाहिए। सीएम ने कहा कि यदि हम भगवान श्री कृष्ण के दिए ज्ञान कर्मठे वाधिकारस्ते माँ फलेशु कदाचना का अनुसरण करते हुए कार्य की अच्छी शुरुआत करेंगे तो उसकी शानदार सफलता कार्य प्रारंभ होने के साथ ही परिलक्षित होने लगेगी। कार्य की अच्छी शुरुआत होगी तो कोई भी बाधा, कोई भी ताकत सफलता हासिल करने से नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि इसी धारणा को अंगीकार कर महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय ने अपने कदम बढ़ाए और चुनौतियों के बावजूद सफल परिणाम 1 साल से कम समय में ही दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र में रिसर्च के काफी अवसर हैं। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय की स्थापना का यह भी एक प्रमुख उद्देश्य है कि शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र में रिसर्च को आगे बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी यही मंशा है, भारत को शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र में ग्लोबल नंबर 1 रैंक हासिल करनी है। सभी विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षा संस्थान शोध के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करते हुए यह रैंक हासिल कर सकते हैं। सीएम योगी ने कहा कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है, बस उसे करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। देश व प्रदेश का शानदार कोविड प्रबंधन इसका प्रमाण है। हमारे कोविड प्रबंधन की सर्वत्र सराहना हुई। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में जब कोरोना का पहला केस आया तो यहाँ कोरोना जाँच के लिए एक भी लैब नहीं थी। पहला सैंपल हमें पुणे भेजना पड़ा, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के पास प्रतिदिन 4 लाख कोविड टेस्ट की क्षमता है। यह अच्छी शुरुआत का अच्छा परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश 40 साल तक एंसेफलाइटिस से त्रस्त रहा। पूर्व की सरकारों ने उपचार की गंभीरता नहीं दिखाई, इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश में 50,000 बच्चों की मौत हो गई। जापान ने तो एंसेफलाइटिस वैक्सीन वर्ष 1905 से 1906 में ही बना ली थी, लेकिन इसे भारत आने में 100 साल लग गए। इसके लिए भी सदन में मुद्दा उठाने के साथ सड़क पर आंदोलन करना पड़ा, जबकि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में देश ने महज 9 माह में कोरोना की वैक्सीन बना ली। वैक्सीन की देश में 200 करोड़ डोज तथा प्रदेश में 36 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। कोरोना के संकट काल में पीएम मोदी के मार्गदर्शन में जीवन के साथ जीविका की भी रक्षा की गई। प्रवासी कामगारों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। हर गरीब के लिए फ्री राशन, भरण पोषण, भत्ता की व्यवस्था की गई। देश में 80 करोड़ तथा प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। सबको मुफ्त कोरोना जाँच, इलाज व वैक्सीन की सुविधा दी गई। सीएम योगी ने कहा कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय अपने संस्थानों के बताए रास्ते पर चलते हुए शिक्षा के साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे रहा है। यहाँ के परिसर में स्थित चिकित्सालय लोगों को चिकित्सा सेवा कर रहा है। इसी सिलसिले में विश्वविद्यालय द्वारा उन बीमारियों पर भी शोध किया जा रहा है जिसके कारण अकस्मात मौतें होती हैं। विश्वविद्यालय में हाल ही में एक शोध अध्ययन से चूहे के मूत्र से होने वाली गंभीर बीमारी का पता लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के BAMS पाठ्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि आयुर्वेद के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। आयुर्वेद के विद्यार्थी नए शोध कर उन्हें पेटेंट करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि संयोगवश आज ही प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस है। 28 अगस्त 2021 को एक ही दिन तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन व गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। आयुर्वेद के क्षेत्र चिकित्सा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के साथ ही औषधीय पौधों के क्षेत्र में भी कार्य कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं है जिसमें औषधीय गुण ना हो।
आयुर्वेद के छात्र शोध के जरिए उन वनस्पतियों को आरोग्यता के अनुकूल बना सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए युवाओं को प्रदेश के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने अभ्युदय कोचिंग की शुरुआत की है। फिजिकली और वर्चुअल कोचिंग के साथ ही युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं ताकि उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। कोरोना के चलते सेमीकंडक्टर का उत्पादन प्रभावित होने के बावजूद अगले 5 वर्षों में प्रदेश सरकार 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन व टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अब हर युवा तकनीकी रूप से सक्षम बनेगा और पूरी दुनिया की जानकारी उसके जेब व हाथ में उपलब्ध रहेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मलीन गोरक्षपीठाधीश्वर युग पुरुष महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज व राष्ट्र संत महंत अवैध नाथ जी महाराज की पुण्य स्मृति को नमन किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मलीन महंत द्वय युग दृष्टा थे। महंत दिग्विजय नाथ जी ने 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना कर पूर्वी उत्तर प्रदेश में शिक्षा की अलग जगाई थी। 1956-57 में गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उन्होंने शिक्षा परिषद के 2 कॉलेज दान में दिए थे। सदैव उनके ही मार्ग का अनुसरण महंत अवैधनाथ जी ने किया। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय की परिकल्पना ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी ने ही की थी। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा की कमी कभी महसूस की जा रही थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसे दूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि गोरक्षपीठ का शिक्षा से सदैव लगाव रहा है और पीठ के संरक्षण में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की तरफ से संचालित दर्जनों संस्थाएं इसका प्रमाण है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि कायाकल्प योजना से आज सीएम योगी ने पूरे प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की तस्वीर बदल दी है। इस योजना की ही देन है कि उनका गृह जिला प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में 73वें स्थान से 7वें स्थान पर आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश केंद्र की लगभग सभी योजनाओं में देश में नंबर 1 है। श्री चौधरी ने महाराजगंज में PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए सीएम योगी के प्रति आभार जताया। स्वागत संबोधन में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी ने विश्वविद्यालय की प्रगति और यहां संचालित पाठ्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय अपने कुलाधिपति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में गोरखपुर को ज्ञान की नगरी बनाने के संकल्प को पूरा करने में जुटा है। इसी मंशा को आगे बढ़ाते हुए अगले वर्ष तक 150 MBBS सीटों के साथ यहां मेडिकल कॉलेज भी प्रारंभ हो जाएगा। ज्ञान अनुसंधान व रोजगार आदि के लिए विश्वविद्यालय ने साल भर में ही कई प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ आदान प्रदान किया। समारोह में आभार ज्ञापन गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रधानाचार्य डॉक्टर DS अजीता ने किया। समारोह में प्रदेश सरकार के शिक्षा सलाहकार एवं UGC के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर DP सिंह, प्रदेश सरकार के फार्मा सलाहकार एवं पूर्व औषधि महानियंत्रक GN सिंह, राज्य आपदा प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल RP शाही, गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर AK सिंह, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर JP पांडे, महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक श्री राम चौहान, महेंद्र पाल सिंह, विपिन सिंह, डॉक्टर विमलेश पासवान, राजेश त्रिपाठी, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, राज्य महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू चौधरी, BRD मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार, BHU के प्रोफेसर रामचंद्र रेड्डी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव आदि की विशिष्ट भागीदारी रही। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न पाठ्यक्रमों व गतिविधियों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले मेधावियों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने उनसे आत्मीय संवाद करते हुए उनका उत्साह भी बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय परिसर में पौधे की देखभाल करने वाले तथा परिसर में 501 पौधे लगाने वाले नागेंद्र पांडे को भी सम्मानित किया। अपनी परंपरा के अनुसार ज्ञान और अन्वेषण के लिए दूसरी संस्थाओं के साथ आदान प्रदान कर रहा है। एम्स गोरखपुर, BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर, मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी गोरखपुर और आयुष विद्यालय गोरखपुर में इस MOU में शामिल हैं। अपने छात्रों की नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए और एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अहमदाबाद से MOU किया है।
छात्रों को दवाओं की बनाने की विधि सिखाने के लिए वैद्यनाथ फार्मेसी से एमओयू इसी वर्ष हो चुका है। इस सब का फायदा हुआ कि बच्चों को जो बाहर क्या क्या एक्चुअली में क्या हो रहा है इसकी जानकारी मिल रही है। हमारे छात्रों की निरंतर ज्ञान वृद्धि करने के लिए इस वर्ष 8 मेडिकल सेमिनार इसी विश्वविद्यालय परिसर में आयोजन किया गया। निशा कुमारी राणा, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, फर्स्ट ईयर, सेकंड पोजीशन। प्रियंका निशा, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट। रजनीश सिंह, डिप्लोमा इन प्रियांशी कुमारी रूपम पटवा, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन, फर्स्ट ईयर, सेकंड पोजीशन। पंकज तिवारी, डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर। पल्लवी सिंह, एएनएम कुमारी रंजना, एएनएम फर्स्ट ईयर, सेकंड पोजीशन। शिवांगी सिंह, एएनएम सेकंड ईयर, फर्स्ट पोजीशन। विजेता चौरसिया, एएनएम सेकंड ईयर, सेकंड पोजीशन। प्रिया श्रीवास्तव, दीक्षा वर्मा, जीएन। साध्या प्रजापति, श्वेता सहानी, जीएनएम। नीलम शर्मा, जीएनएम थर्ड ईयर, सेकंड पोजीशन। शिवांगी मिश्रा, बीसी नर्सिंग, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट पोजीशन। बीएससी नर्सिंग, सेकेंड ईयर, फर्स्ट पोजीशन। ईयर, सेकेंड पोजीशन। प्राची यादव, ईयर, फर्स्ट पोजीशन। मानसी पांडे, सेकंड पोजीशन। बीएमएस फर्स्ट ईयर, फर्स्ट पोजीशन। रागिनी प्रजापति, जीएनएम। अमृता पाठक, बीएससी नर्स। तो मैं अव्वल रहे विद्यार्थी। वीनू मिश्रा, बीएससी नर्सिंग, फोर्थ ईयर। विश्वविद्यालय का यह प्रथम स्थापना दिवस है क्योंकि इस क्षेत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा की कमी महसूस हो रही थी और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के नौजवानों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो कदम उठाया वो बहुत ही सराहनीय रहा है। वैसे तो गोरक्षपीठ महाराणा प्रताप शिक्षा संस्थान के रूप में जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में शिक्षा का बहुत ही अभाव था उस समय से यह पीठ शिक्षा के दिशा में चाहे वो गोरखपुर हो चाहे महाराजगंज हो दर्जनों संस्थाओं को खोल करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए नौजवानों को अवसर देने का काम किया है। मित्रों, जहां तक भारत सरकार का सवाल है और उत्तर प्रदेश सरकार का सवाल है
अगर भारत सरकार का देखें तो मोदी जी की सरकार आने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत बदलाव किया है। अभी कोविड के काल में जब तमाम विद्यालय बंद हो गए थे, विद्यार्थियों का साल खराब ना हो उसके लिए हमारी भारत सरकार ने भी और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी महत्वपूर्ण कदम उठाया ताकि छात्रों का साल बर्बाद ना होने पाए। तो मैं बताना चाहता हूं कि कायाकल्प योजना के तहत जहां पर हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ते थे, जिनके मां बाप अब सरकारी विद्यालयों में भेजने से कतराते थे, इंग्लिश मीडियम के विद्यालय में भेजना चाहते थे, लेकिन परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के उत्तर प्रदेश में आने के बाद जो गोरक्षपीठ का सदैव से शिक्षा के प्रति लगाव रहा है, कहीं ना कहीं योगी जी ने कायाकल्प योजना ला करके उत्तर प्रदेश के गांव के विद्यालयों को, प्राइमरी पाठशालाओं का जो कायाकल्प करने का काम किया है वो ऐतिहासिक काम हुआ है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं महाराज जी को कि जब आप योजना चालू किए थे तो महाराजगंज जिला 74 जिले में 73वें स्थान पर था, लेकिन आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आपके नेतृत्व में, आपके देखरेख में आज महाराजगंज जिला 74 में से 7वें स्थान पर आने का काम किया है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द उसको हम लोग नंबर एक में उत्तर प्रदेश पे लाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आपका मार्गदर्शन इसी प्रकार से हम सबको मिलता रहे, जिस प्रकार से आपने प्रदेश को, प्रदेश का सोच बदलने का काम किया है। एक वो उत्तर प्रदेश था जहां लोग आने से कतराते थे, कोई बिजनेस करना नहीं चाहता था, एक बीमारू प्रदेश था, लेकिन जिस प्रकार से आपने काम किया है, लाइन ऑर्डर मेंटेन किया है और सही दिशा में काम किया है, क्योंकि 2014 में मोदी जी ने दिल्ली से तो योजना लागू कर दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में दूसरी पार्टी की सरकार होने के नाते हमारे गरीब जनता को उस योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था, और 3 साल तक चाहे मकान हो, चाहे शौचालय हो, चाहे बिजली का कनेक्शन हो, चाहे गैस का सिलेंडर हो, वो बहुत मामूली अंतर पर लोगों को मिला था, लेकिन 2017 के बाद परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने ग्रहण किया सीट, तो आज कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो भारत सरकार की जितनी भी योजना हो, चाहे मकान हो, शौचालय हो, बिजली हो, गैस हो, राशन हो, आयुष्मान भारत का कार्ड हो, किसान सम्मान निधि हो, आज कहीं ना कहीं इन सभी क्षेत्रों में भारतवर्ष में नंबर एक पे उत्तर प्रदेश को पहुंचाने का काम किया है तो परम पूज्य योगी आदित्य महाराज जी ने किया है। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित आज के समारोह में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री माननीय श्री पंकज चौधरी जी, मंच पर उपस्थित गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, मान्य विधायकगण, यहाँ के स्थानीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, बिपिन सिंह जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्री श्री राम चौहान जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू चौधरी जी, आज के समारोह में उपस्थित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष, कई विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में जिनके पास एक लंबा अनुभव है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा सलाहकार प्रोफेसर डीपी सिंह जी, प्रदेश सरकार के
फार्मा क्षेत्र के सलाहकार और भारत के पूर्व ड्रग कंट्रोलर डॉक्टर जयंत सिंह जी, कुलपति मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रोफेसर जेपी पांडे जी, कुलपति महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर प्रोफेसर एके सिंह जी, आज के इस समारोह में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय रसायन शास्त्र विभाग से प्रोफेसर रामचंद्र रेड्डी जी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय कार्य समिति से जुड़े हुए के हमारे पदाधिकारी प्रोफेसर शोभा गौड़ जी, डॉक्टर सेम सिन्हा जी, श्री प्रमत नाथ मिश्र जी, श्री राम जन्म सिंह जी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापक गण, अभिभावक गण, अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण और विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण से जुड़े हुए पाठ्यक्रम से सभी उपस्थित छात्र छात्राएं और उपस्थित भाइयों बहनों, प्रथम स्थापना दिवस के अवसर पर मैं पूरे महाविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूं। एक वर्ष की अपनी इस यात्रा के दौरान अनेक उतार चढ़ावों का सामना करते हुए जिस सुगमता सहजता के साथ महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय ने अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप विश्वविद्यालय के निर्माण को एक नई गति दी है वह अत्यंत सराहनीय है और मैं इसके लिए पूरे महाविद्यालय परिवार का हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं ही देता हूं। हम सब जानते हैं ठीक एक वर्ष पहले देश के तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के कर कमलों से विश्वविद्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ था। उस समय भी ऐसे ही मौसम था, बारिश थी और उस दौरान भी ये लगता था कि कार्यक्रम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम के दृश्य कैसे हम इन कार्यक्रमों को संपन्न करेंगे ये एक बात थी। लेकिन प्रशासन के हौसलों ने और विश्वविद्यालय प्रशासन ने मिलकर के उस समय माननीय राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम को बहुत कुशलतापूर्वक किया था। और ठीक एक वर्ष के बाद मैं वही सोच रहा था कि पिछले एक महीने से लोग बारिश के लिए तरस रहे थे, विश्वविद्यालय एक महीने पहले अपने स्थापना दिवस को मनाता तो इतनी अच्छी बारिश एक महीने ही यहां पर हो गई होती। रात्रि से ही बारिश है और मेरे आगमन के कुछ पहले तक लगातार बारिश पड़ती रही, लेकिन उस सब के बावजूद आपके हौसलों ने आपको यहां तक लाने में और कार्यक्रम के प्रति आपकी रुचि को यहां पर बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। मैं इसके लिए भी आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम जब जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं तो हमेशा हमारे सामने कुछ चिंताएं होती हैं। चिंता इस बात की होती है कि पता नहीं क्या होगा और हमारे जीवन की कठिनाई ही यहीं से शुरू होती है। हमें इति की चिंता होती है, अथ की नहीं।
यानी हम लोग परिणाम की चिंता कार्य के शुरुआत होने के पहले ही करने लगते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी कठिनाई होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में अर्जुन को एक ही बात कही थी कि कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर हमने कुछ भी इससे प्रेरणा प्राप्त की होती तो हमारे कर्म के साथ ही हमारा फल भी जुड़ जाता और हम इति की चिंता नहीं करते बल्कि अत की चिंता करते। यानी कार्य की शुरुआत कैसे करनी है, अगर हम इसमें थोड़ी सी बुद्धि विवेक लगा लें तो अपने आप ही उसके परिणाम लक्षित होंगे। जो हम चाहते हैं उस प्रकार के परिणाम हम सबके सामने अपने आप ही आते हुए दिखाई देंगे। और इसलिए हम सबको अगर जीवन में सफलता के पथ पर अग्रसर होना है तो हमारा प्रयास कार्य की अच्छी शुरुआत की होनी चाहिए। अच्छी शुरुआत होगी, पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ हम अगर उस कार्य के साथ जुड़ जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने से नहीं रोक सकती है। कोई आपके मार्ग में बैरियर नहीं बन सकता, कोई बाधा नहीं बन सकती है। अच्छी शुरुआत के लिए अपने आप को तैयार करिए। और विश्वविद्यालय ने एक अच्छी शुरुआत की है, यह अच्छी शुरुआत इस बात की गवाही देती है। विश्वविद्यालय में आज आयुर्वेद की BMS की पढ़ाई भी प्रारंभ हो चुकी है। मुझे पिछले दिनों विश्वविद्यालय के BMS के छात्रों के साथ संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मुझे पिछले दिनों यहां पर और फिर इन लोगों के लखनऊ कुछ इन्होंने सेंट्रल लेबोरेटरी का इन लोगों ने वहां पर भ्रमण किया था, उस दौरान भी उनसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उनके मन में एक हौसला है, एक जज्बा है। अभी मैं यहां पर देख रहा था नर्सिंग में ENM, JNM, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग, उनसे जुड़े हुए प्रशिक्षकों ने जिन्होंने अपने अपने क्लास में उत्तम स्थान प्राप्त किया है उन्हें यहां पर विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया। पैरामेडिकल के ढेर सारे पाठ्यक्रम यहां पर प्रारंभ हुए हैं जो पूरी चिकित्सा स्वास्थ्य की नींव है, उसकी बैकबोन है, वह पाठ्यक्रम भी यहां पर प्रारंभ हो चुके हैं। इस नए सत्र में भी मुझे बताया गया कि अन्य अनेक कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ हो रहे हैं जो आज की आवश्यकता के अनुरूप इन छात्र छात्राओं को समाज और राष्ट्र के लिए अपने आप को एक योग्य नागरिक के रूप में साबित करने के उस प्रकार के पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाने और विश्वविद्यालय ने मेहनत करके प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ MOU करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। यह एक वर्ष की उपलब्धि के साथ उसे जोड़ा जा सकता है और इसलिए एक वर्ष की इस उपलब्धि के लिए संतुष्टि के साथ ही हमें अपनी आगामी शिक्षा क्षेत्र की उन चुनौतियों की तरफ और स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों की ओर अपने आप को तैयार करना होगा। क्योंकि विश्वविद्यालय आरोग्य धाम में स्थित है, यहां पर शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी कार्य हो रहा है। और मैं भी देख रहा था, मैं एक दिन एक समाचार पत्र की रिपोर्टिंग देख रहा था, विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं मेजर जनरल डॉक्टर अतुल बाजपेयी, आर्मी मेडिकल कोर के मेजर जनरल पद से अवकाश ग्रहण करने के बाद उन्होंने विश्वविद्यालय ज्वाइन किया और विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में आज अपनी सेवा दे रहे थे। उन्होंने यहां पर इस चिकित्सालय, यहां पर चिकित्सालय भी है और मुझे बताया गया कि आज पहले स्थापना दिवस में एक स्वास्थ्य मेला का आयोजन भी यहां पर आयोजित किया गया है। तो एक चिकित्सक होने के नाते एक स्वाभाविक जिज्ञासा कि इन क्षेत्रों में कौन से कारणों से
अकस्मात लोगों की मौतें हो रही हैं उसके कारण क्या है। उन्होंने विभिन्न यहां के चिकित्सालय के, गोरखनाथ चिकित्सालय के, मेडिकल कॉलेज, एम्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और आसपास के क्षेत्रों के कुछ डाटा इकट्ठे किए। लैब से उन्होंने उस डाटा को भी मिलान किया, जो टेस्टिंग रिपोर्ट थी उसको भी मिलान किया और फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाले कि वास्तव में मौत के आंकड़े किन बीमारियों के कारण थे जिन्हें हम बीमारी नहीं मानते थे, जिन्हें हम कुछ और कारण मानते थे। किसी को इंसेफ्लाइटिस मानते थे, किसी को मेंजलाइटिस मानते थे, किसी को हम डेंगू मानते थे, लेकिन इन सब से इतर उन्होंने अपना एक नया शोध प्रस्तुत किया कि नहीं, ये जो छुछुंदर होता है ना, चूहा, चूहा के पेशाब से भी एक बीमारी होती है, गांव में जो झाड़ झंकार होता है उसके कारण पैदा होती है और वह मौत का कारण था और वह सभी समाचार पत्रों ने उसे बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने का काम किया था। और मुझे लगता है कि यह चिकित्सा क्षेत्र में, नर्सिंग क्षेत्र में, पैरामेडिक के क्षेत्र में या तमाम प्रकार के जो पाठ्यक्रम हैं, इन पाठ्यक्रमों के क्षेत्र में भी जो अन्य अनेक शोध के अवसर हैं, आयुर्वेद के क्षेत्र में व्यापक अवसर है। एक एक अभियान हमारा हमारे लिए शोध का विषय बन सकता है, एक नए पब्लिकेशन का विषय बन सकता है, रिसर्च पेपर का विषय बन सकता है। हम उसके माध्यम से अपने रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं और फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जोड़ करके जब हम आगे बढ़ेंगे, यही तो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है कि हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, फिर अपने रिसर्च को पेटेंट कराना और पेटेंट करा करके फिर अपने को एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के संस्थान के रूप में स्थापित करना। यह विश्वविद्यालय और सभी संस्थाएं अगर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ जुड़ेंगी तो सचमुच भारत शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ग्लोबल रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर सकता, और यही प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोरोना कालखंड में इसी उद्देश्य से लागू भी की गई। कोरोना कालखंड में इसीलिए, आप सब जानते हैं, जब पूरी दुनिया कोरोना से पस्त थी, पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से अपने स्वयं के बचाव में लगी हुई थी, तब भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बड़े अभिनव कार्यक्रम चल रहे थे। यहां पर जीवन भी बचाया जा रहा था और जीविका को भी बचाने का कार्य हो रहा था। गरीबों के लिए फ्री में राशन की सुविधा हो रही थी, श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता दिया जा रहा था, लोगों के व्यवस्थित उपचार की सुविधा, फ्री में उपचार, फ्री में टेस्ट, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही थी। तो हर गरीब के लिए और भारत के हर नागरिक के लिए फ्री में टीका भी भारत की ही लैब में विकसित करने की कार्रवाई हो रही थी। आप अनुमान करिए, इंसेफ्लाइटिस से यह क्षेत्र 40 वर्षों से त्रस्त था और 40 वर्ष तक इंसेफ्लाइटिस के उपचार के लिए कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई थी। 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुई। इंसेफ्लाइटिस का टीका, इसका वैक्सीन जापान ने 1905-6 में विकसित कर दिया था और भारत के अंदर उस वैक्सीन को आने में 100 साल लगे। जब 2006 में जब संसद में अनेक बार मुद्दे को उठाने, सड़कों पर आंदोलन करने के परिणाम स्वरूप 100 साल के बाद करो इसका वैक्सीन, आपका इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन पूर्वी उत्तर प्रदेश में आ पाया था। ये पिछली सरकारों की कार्य पद्धति थी, लेकिन कोरोना महामारी आई, 9 महीने के अंदर भारत वैक्सीन लेकर के आ गया और विश्व स्तरीय वैक्सीन, जिसको दुनिया ने भी, जिसके
प्रभाव को स्वीकारा। आज वो वैक्सीन भारत के पास है और 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेज भारत के अंदर अब तक सफलतापूर्वक लग चुकी है और वैक्सीन का जो कैंपेन चल रहा है पूरे देश के अंदर सफलता की जिन नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। उत्तर प्रदेश ने स्वयं 36 करोड़ वैक्सीन की डोजेज लगा दी है। ये चीजें साबित करती हैं कि करने की इच्छा शक्ति हो। अगर हम लोग ये डरते कि पता नहीं क्या होगा, मोदी जी भी यही सोचते तो क्या हम वैक्सीन ले पाते, क्या हम 80 करोड़ गरीबों को देश के अंदर और 15 करोड़ गरीबों को उत्तर प्रदेश के अंदर क्या फ्री में राशन दे पाते, फ्री में उपचार और फ्री में टेस्ट की सुविधा उपलब्ध करा पाते। हम भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते तो क्या 1 करोड़ श्रमिक और कामगार जो अपना अपना काम धाम छोड़ करके वापस आ रहे थे, क्या इन्हें हम उनके गंतव्य तक पहुंचा पाते? कभी नहीं। हमने कहा चैलेंज है, चुनौती है, कि चुनौती हमारे लिए एक अवसर भी है और इस चुनौती का सामना करते हुए हम हर एक कामगार और श्रमिक को उसके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे, उसकी देखरेख करेंगे, क्योंकि वह हमारा नागरिक है। एक भाव, हम टेस्ट करेंगे। मुझे याद है जब कोरोना आया था उत्तर प्रदेश में कोई टेस्ट लेबोरेटरी नहीं थी, एक भी टेस्ट यूपी में नहीं होता था। पहला पेशेंट जब आया था तो हम लोगों ने तब दिल्ली भेजा था उपचार के लिए, टेस्ट के लिए भी पुणे गया था हमारा सैंपल। लेकिन आज 4 लाख टेस्ट पर डे करने की क्षमता उत्तर प्रदेश के अंदर है। करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमने परिणाम की चिंता नहीं की, पहले परिणाम अच्छा हो इस पर फोकस होना चाहिए, लेकिन कार्य की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, हमने उसको अच्छा किया, परिणाम हमारे पक्ष में रहा, हमारे कोविड प्रबंधन को सर्वत्र सराहना मिली और वह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम अच्छी शुरुआत करेंगे तो परिणाम भी अच्छा ही आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और यही आज प्रथम स्थापना दिवस के अवसर पर मुझे यहां पर कहना था। आज महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का भी स्थापना दिवस है, वहां के कुलपति जी भी यहां बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है। आयुष के क्षेत्र में ढेर सारी संभावनाओं को जन्म दिया जा सकता। मैंने आयुष के यहां पर आयुर्वेद के बच्चों से संवाद करते समय मैंने कहा था कि इतनी संभावनाएं इनके पास है, मॉडर्न जो हमारी चिकित्सा पद्धति है, हो सकता उसमें ना हो। ये लोग चाहे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के साथ जुड़ सकते हैं, ये चाहे सरकारी सेवा के साथ जुड़ सकते हैं, ये चाहे तो मेडिसिनल प्लांट के माध्यम से हजारों किसानों के जीवन में परिवर्तन करने का माध्यम बन सकते हैं, और चाहे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक अभिनव कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा सकते हैं। नास्ति मोलो अनौषधय का जो यह भारतीय मनीषा का उद्घोष है कि कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो, उस औषधीय गुण को प्रदान करने की सामर्थ्य भी केवल आयुर्वेद के बच्चों के अंदर ही है। आयुर्वेद के जो हमारे डिग्रीधारी हैं या इस फील्ड में जो लोग पैरामेडिक्स हैं, उन लोगों के पास ही इस प्रकार की संभावनाएं हैं। उस हर वनस्पति के अंदर ये लोग औषधीय गुण को देख करके उसको आरोग्यता के अनुकूल बना सकते हैं, और यह कार्य भी ये लोग अपने शोध से, अपने रिसर्च से आगे बढ़ा सकते हैं। और जिससे आज का यह प्रथम स्थापना दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे बताया गया कि पिछले एक सप्ताह से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक और जिन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया, ऐसे ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की स्मृति व्याख्यानमाला के भी एक साप्ताहिक कार्यक्रम में अलग अलग प्रकार के व्याख्यान
विश्वविद्यालय में और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध अलग अलग संस्थानों में भी संपन्न हुए हैं। विश्वविद्यालय का इस व्याख्यान माला का जो व्याख्यान माला है उसका समापन का कार्यक्रम भी संपन्न हो रहा है। हम सब जानते हैं महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एक युग दृष्टा ऋषि थे। 1932 में उन्होंने गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना कर दी थी और सफलतापूर्वक शिक्षा परिषद जब अपना कार्य कर रहा था तब गोरखपुर से आवाज आती है कि गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना होनी है। तो गोरखपुर में विश्वविद्यालय स्थापना के लिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आया जिसने कहा कि इसके लिए अगर राज्य सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो हम अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं और दो महाविद्यालय महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने दिए थे जो गोरखपुर विश्वविद्यालय की आधारशिला बनी और गोरखपुर विश्वविद्यालय का शुभारंभ होता है। आज भी विश्वविद्यालय के कई महत्वपूर्ण फैकल्टी वहां संचालित हो रही है। यानी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 1956-57 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आगे आता है, इसके संस्थापक ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज आगे आते हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप कार्य कर सके, ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज ने इस बीड़ा को फिर आगे बढ़ाया जहां पर आज महाराणा प्रताप आप महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय है। इस पूरी भूमि की परिकल्पना को भी महंत अवैद्यनाथ जी महाराज ने ही यह परिकल्पना 2005 में यहां पर प्रस्तुत की थी और फिर इस कार्यक्रम के साथ जब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद जुड़ा तो यहां पर आज विश्वविद्यालय है। मैं इस अवसर पर इन दोनों पूज्य संतों के चरणों में भी नमन करते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और विश्वविद्यालय ने एक व्याख्यान माला उनकी स्मृति में यहां पर किया। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो लोक कल्याण का हो, राष्ट्र कल्याण का हो, जिसमें इन पूज्य संतों का सानिध्य न प्राप्त हुआ हो। गोरखपुर को, पूर्वी उत्तर प्रदेश को, समाज को और जहां आवश्यकता पड़ी उन प्रत्येक क्षेत्र में इन लोगों ने बढ़ करके आगे चल करके स्वयं की परवाह न करके गोरख स्पीड को माध्यम बना करके सेवा और लोक कल्याण के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज विश्वविद्यालय अपनी प्रथम स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ यहां पर जुड़ रहा है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अगले 9 वर्ष के अंदर अपनी शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के साथ जुड़ेगा। कल्पना करिए 100 वर्षों की यानी 91-92 वर्षों की यात्रा कितनी अभिनव यात्रा है। कितने उतार चढ़ाव देखे होंगे, कनेक्टिविटी नहीं थी तब यहां शिक्षण संस्थान खुलते हैं, साधन नहीं थे तब शिक्षण संस्थान खुलते हैं और यहां के बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा से युक्त कैसे किया जाए उस दिशा में प्रयास होता है। आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उसी लक्ष्य को, उनके संस्थापकों के उसी प्रयोग को आगे करते हुए महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय निरंतर उस पथ पर अग्रसर हुआ है। यह अत्यंत अभिनंदनीय है और अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप कार्य कर रहा है। आज गोरखपुर और हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश शिक्षा और चिकित्सा का एक नया केंद्र बिंदु बन रहा है। प्रधानमंत्री जी ने विगत वर्ष गोरखपुर एम्स का उद्घाटन किया। गोरखपुर में एम्स होगा कोई सोचता था? गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना आज प्रारंभ हो चुका है। गोरखपुर में वे तमाम संस्थान जो कभी लोगों ने जिसके बारे में सोचा ही नहीं था, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में नेक की अभी जो ग्रेडिंग हुई थी उसमें ये ग्रेडिंग उन्हें प्राप्त होती है। ये दिखाता है विश्वविद्यालय सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक प्रयास हुआ, विश्वविद्यालय ने वो स्थान प्राप्त किया।
यही प्रयास हर एक संस्था में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आगे बढ़ना चाहिए और उस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए हम सब अपने आप को तैयार कर सकें, यह आज की आवश्यकता होनी चाहिए। लेकिन शुरुआत कैसी हो यह सफलता निर्भर करती है और उस शुरुआत के लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सब मिलकर के उत्तर प्रदेश को शिक्षा और स्वास्थ्य के अत्याधुनिक केंद्र के रूप में विकसित करें। यह देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य के लिए, जिस राज्य को यह भी गौरव है कि उसके पास सबसे अधिक युवा है, तो उस राज्य के लिए आवश्यक होगा कि उन युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग उस प्रकार के पाठ्यक्रमों के साथ, उस प्रकार की शिक्षा, उस प्रकार की चिकित्सा और उस प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण साधन यहां पर उपलब्ध करवाएं जिसमें वह अपने उज्जवल भविष्य की तस्वीर को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश को देश की नंबर एक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर दें। भाइयों बहनों, हम लोगों ने वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। यूपी के युवाओं को अपने कंपटीशन की तैयारी के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े, अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर फिजिकली भी और वर्चुअली भी कोचिंग की व्यवस्था प्रारंभ की है। जो जिन छात्रों का अभ्युदय कोचिंग के साथ सिलेक्शन हो रहा है उनको टैबलेट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन साथ साथ प्रदेश के अंदर स्नातक परास्नातक हर युवा को राज्य सरकार टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवा सके, इसके लिए हम लोगों ने एक बड़े कार्यक्रम को सामने रखा है। इस समय एक चैलेंज हमारे सामने है कि कोरोना महामारी के कारण सेमी कंडक्टर की उपलब्धता न होने के कारण, प्रोडक्शन स्मार्टफोन और टैबलेट की न होने के कारण स्मार्टफोन को वितरण की गति थोड़ी कहीं ना कहीं बाधित हुई है। लेकिन हम लोग इस बारे में आश्वस्त हैं कि अगले 5 साल के अंदर 2 करोड़ युवाओं तक हम टैबलेट और स्मार्टफोन दे करके उन्हें ऑनलाइन एजुकेशन के उन सभी कार्यक्रमों के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे जिसमें उत्तर प्रदेश का हर युवा अपने आप को तकनीकी रूप से सक्षम भी पाएगा और पूरी दुनिया को अपने स्मार्टफोन और अपने टैबलेट के अंदर कैद करके उन ढेर सारी जानकारियों को जो उसके डे टू डे के कार्यों में आवश्यक है उन सबको अपने साथ अपनी जेब में अपने हाथ में लेकर के चलने में सक्षम हो पाएगा।